हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा रिव्यूअर कंटेंट इज किंग। आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न प्राइम पर आई मूवी शर्मा जी नमकीन के बारे में। शर्मा जी नमकीन ऋषि कपूर जी की लास्ट मूवी है और बहुत ही एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर मूवी है। इसके अगर प्लॉट की मैं बात करूँ तो इसमें एक रिटायर्ड पर्सन की आफ्टर लाइफ दिखाई गई है कि कैसे वो रिटायरमेंट के बाद अपना टाइम स्पेंड करता है और कितनी बोरियत उसे महसूस होती है, और वो फैमिली के साथ भी थोड़ा सा वो जनरेशन गैप भी आ जाता है तो कैसे वो दिक्कतें फेस करता है। और बहुत ही एक अच्छी मूवी मैं कहूँगा दिखाई गई है, और परेश रावल जी ने भी वो एक्टिंग बहुत अच्छी की है। आधा जो काम ऋषि कपूर जी ने किया वो भी बहुत बढ़िया, और परेश रावल ने भी बहुत अच्छा काम किया, तो दोनों ने बहुत ही बढ़िया काम किया। और अच्छी मूवी है क्योंकि आप फैमिली के साथ ये देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स और स्वीट मोमेंट्स, और ऋषि कपूर जी का तो ये मतलब फोटे रहा है कि फैमिली फिल्म्स वो बहुत बढ़िया करते हैं, जैसे 2 दुनी 4 या 102 नॉट आउट, ऐसी फिल्में उन्होंने की और क्या उन्होंने एक्टिंग की उन फिल्मों में, तो उनका तो ये फोटे रहा है। पर परेश रावल जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया मूवी है ये। अगर आपने नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देखें, और इसमें बहुत ही अच्छी फैमिली वैल्यूज़ को भी आप देख सकते हैं, और ये दोनों तरफ से दिखाया है। जैसे हम कहते हैं जनरेशन गैप के जो डिसएडवांटेजेस हैं, बेटे का भी दिखाया और बाप का भी दिखाया, तो दोनों तरफ से किसी को गलत नहीं दिखाया यहाँ पे। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों साइड्स दिखाई गई हैं। ज़्यादातर फिल्मों में सिर्फ एक साइड दिखा देते हैं कि बेटा गलत ही होता है ज़्यादातर, पर इसमें बेटे की भी गलती है और थोड़ी थोड़ी मैं कहूँगा कि बाप की भी गलती है, तो वो चीज़ें दिखाई गई हैं कि जनरेशन गैप एक ऐसी चीज़ है कि जो फिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, और कैसे ऋषि कपूर जी अपने टाइम को किल करने के लिए किटी पार्टी भी ज्वाइन कर लेते हैं, वो कुकिंग भी करते हैं, तो वो बहुत ही एक स्वीट सी स्टोरी है। बहुत अच्छी, इसका क्लाइमैक्स सीन भी बहुत अच्छा है जो आपको थोड़ा सा इमोशनल कर देगा, और इसमें काफ़ी मतलब आपके मुंह पे एक स्माइल बनी रहेगी। और ज़्यादा लंबी फिल्म है नहीं, 2 घंटे की फिल्म है और काफ़ी क्रिस्प है। और जो मुझे ट्रेलर देख के डर लग रहा था कि जैसे आधा रोल ऋषि कपूर जी ने किया और आधा परेश रावल ने, तो वो स्विच करना थोड़ा सा ऐसा कहीं अजीब ना लगे, पर बहुत बढ़िया स्मूथ स्विच किया है, तो आपको फील नहीं होगा कि एक ही कैरेक्टर को 2 लोग निभा रहे हैं तो अजीब लगे, तो वो चीज़ इसमें नहीं लगी है। तो वो मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्टिंग की गई है दोनों तरफ से, तो बहुत ही अच्छी ये फैमिली फिल्म है, और ऐसी फिल्में कम बनती हैं, तो ये ज़रूर आप देखें। और ऋषि कपूर जी की लास्ट फिल्म है तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी उसके लिए रहेगा, तो मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड, अमेज़ॉन प्राइम पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। और अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको दूंगा 8 out of 10, क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत स्वीट और बहुत ही सूदिंग फिल्म है, आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करेगी, और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थीम है तो आपको अच्छा भी लगेगा, और काफ़ी मतलब एक ऐसी फिल्म है कि आपके मुंह पे स्माइल भी रखेगी और बाद में थोड़ा इमोशनल भी करेगी, तो ये एक इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड की तरह आपको फील होगी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत अच्छी एंडिंग भी है, तो मैं इसको आपको कहूँगा कि ज़रूर देखें। और अगर आपने देख लिया तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए अगली वीडियो तक, बाय।